अपन कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन पढ़ रहे थे, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस हमने बोला कि कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन को अगर ढंग से पढ़ना है तो असलियत में हमें उसकी एनालिसिस को दो भाग में तोड़ देना चाहिए. वन इज द पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड सेकंड इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू. फिर हमने बात करी कि भाई आज अपन इसकी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को पढ़ेंगे. जैसे मान लीजिए तो अगर हमको ध्यान देंगे तो अपन क्या करते कि कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन दो भाग में तोड़ दिया, ये भी समझ में आ गया. अब अपन छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं. सबसे पहले लिखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सबसे पहली बात डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन बिल्कुल सिंपल सी बात. अगर अपन सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसे मान लो मैं आपको बोलूं कि एक आपका एक बॉल है वो v और ओमेगा से घूम रही है, क्या ओमेगा बराबर वी भाई? ओमेगा बराबर कैसे बताते हो? नहीं, मैंने पूछा क्या ओमेगा बराबर वी भाई? इस बात की कोई गारंटी? पहली बात, ये बाद में पढ़ेंगे प्योर रोलिंग की कंडीशन है फिक्स सरफेस पे. हमेशा ओमेगा बराबर बी बाई आर हो ये जरूरी नहीं है. वो तो ओमेगा बराबर बी बाई आर रखता, वो तो पार्टिकल सर्कल में चलता था. अरे भाई साहब, तो पार्टिकल की स्पीड सेंटर के लिए ओमेगा आर होती थी. यहाँ पे बी तो सेंटर मास की रफ्तार है. अरे यार, तुमने ओमेगा बराबर बी बाई आर क्या पढ़ा था? उस पार्टिकल की रफ्तार जो सर्कल में चलता था, जो ओमेगा से घूमता है. यहाँ पे ये वो वी थोड़ी है. अरे ये वी किसका है? तो बस वी और ओमेगा देखते बच्चा पागल हो जाता है. ओमेगा बराबर वी भाई यार. अबे कैसे हो सकता है मैं इसे 2 रेडियन पर सेकंड से घुमाऊं और रफ्तार 100 मीटर पर सेकंड दूं? ये तो मेरी कॉल है ना. वी इज अ डिफरेंट थिंग. वी इज अ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ओमेगा बराबर वी भाई यार मन में बसा मत लेना. ओमेगा बराबर वी भाई यार एक अलग चीज थी. हाँ, यहाँ पे भी एक स्पेशल केस में आएगी, वो एक अलग बात है, पर उसका लॉजिक डिफरेंट होगा. उसका लॉजिक वो वाला नहीं होगा जो वहां पे था. यहां पे लॉजिक अलग होगा. खैर उसमें बाद में चर्चा करेंगे. खैर हमारी कोई बॉडी ऐसी घूम रही है. मान लीजिए मैं यहां पे ओरिजिन ले लूं. क्या ले लूं? सबसे पहली बात, मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मैं यहां भी ओरिजिन ले सकता हूं, यहां भी ले सकता हूं. मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए किसी भी पॉइंट का, मान लो पॉइंट ए, ये पॉइंट ए मुझे चाहिए भाई साहब. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? मुझे लगा है तो मैं आया. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी? तो क्या करेंगे सिंपली, क्या हमने वही बात करी थी कि सबसे पहले हम इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे. सबसे पहले क्या सेंटर मास को देखेंगे? चलो बताओ सेंटर मास कितना चल लिया? अपन इसको दो हिस्सों में तोड़ दें. अगर अपन ध्यान देखें तो सेंटर मास कितना चल लिया ओरिजिन से? कितना चल लिया? ओहो, बीटी चल लिया. सेंटर मास तो यहां गया भाई साहब. अच्छा भाई, बहुत बढ़िया. ये पॉइंट अपना यहां पे ओरिजिन था, ये अपने समझ में आ गया इतना. अच्छा, अगर हम देखें तो जो चीटा है जो सेंटर मास में बैठा हुआ, उसने रिपोर्ट करा कि भाई साहब ये पार्टिकल घूम गया ओमेगा टी. कितना घूम गया? मुझे लगा है तुम्हें आया. आया नहीं आया? अभी दोनों क्लब कर दो. तो ओरिजिन से, अगर आपका ओरिजिन इस जगह पे था, ध्यान से देखो, तो आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, तो आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया, और आपका पार्टिकल यहाँ पे ही ओमेगा टी. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना. तो ये दूरी है बीटी, बेकार रेस्पॉन्स. ये दूरी है बीटी, ये है अगर आर, तो ये है आर कॉस ओमेगा टी, और ये है. तो क्या x कोऑर्डिनेट हो गया vt माइनस r sin ओमेगा t. व्हाट इज y कोऑर्डिनेट? r माइनस r cos ओमेगा t. रटना नहीं है, समझना है कि कर क्या रहे. अरे भाई साहब, हाँ ना बोल. तो y कोऑर्डिनेट क्या है? r माइनस r cos ओमेगा t. बताओ यस और नो? मुझे बताओ किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या किसी भी टाइम पर लिख सकते हो? मुझे लगा है तुम्हें आया. आया कि नहीं आया? सोच लो. हाँ ना बोल. कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं ओरिजिन इसको ले लेता तब भी क्या मैं सवाल कर सकता था? बहुत छोटी बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ, ढंग से समझते चलो, अपने आप आ जाएंगी. तो इसके रेस्पेक्ट में भी ले सकता था, उसके रेस्पेक्ट में भी ले सकता था, जहां पे भी ले लो. बेसिक बात यह कि मुझे उसे दो हिस्सों में तोड़ना आना चाहिए. सबसे पहले मैं सेंटर मास को देख लूं. किसको देख लूं? सेंटर मास कितना चल लिया? फिर सेंटर मास से पूछूं कोई पार्टिकल कहां है, तो उसने भी बता दिया. फिर दोनों का एनालिसिस करके बता दूं. फिर जो बोला चमका, कैसे करूं, समझ आ गया? क्या ये डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है? ये कोऑर्डिनेट्स हैं. ये क्या है? और डिस्प्लेसमेंट लिखना तो क्या करें? डिस्टेंस यही चीज है कि अलग चीज है?
डिस्प्लेसमेंट यहाँ बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. क्या कोऑर्डिनेट और डिस्प्लेसमेंट लेना मुझे आ गया है? Yes, sir. डिस्टेंस की चर्चा अपन तब कर पाएंगे, हालांकि डिस्टेंस की चर्चा अपन पहले कर चुके हैं जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, मोशन रिलेटिविटी टू में आ रहे यार हां बोल। तब मेजरली मैं चर्चा बता चुका था, फिर भी आज एक बार जल्दी से रिपीट कर दूंगा। पहले बता जो मैं बोला चमका, क्या मैं तेज बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? बता ले फटाक से। डिस्टेंस पे बात अभी, वेलोसिटी स्पीड की बात करूंगा, हालांकि मैं कर चुका हूँ पहले उसकी चर्चा, पर फिर भी अपन पागल हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर लिखने में कोई तकलीफ नहीं है। डिस्टेंस पे अपन फिर दोबारा आएंगे, अभी लिखें स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये हेडिंग में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डाल दिया, डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी के बाद जानते हैं। स्पीड and velocity in combined translational plus rotational motion, फिर से कोई बात, in combined translational plus rotational motion, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें एक बात समझ में आएगी कि speed and velocity combined translational plus rotational motion, बहुत clarity से अगर हम समझें तो फिर से वही बात कि अगर कोई भी पार्टिकल, जो भी ये पार्टिकल है जो आपका चल भी रहा है और घूम भी रहा है, अच्छा मैं मैक्सिमम सारी चीजें आपको समझाऊंगा रॉड या फिर स्फीयर या मतलब गोल चीज से, पर क्या सब जगह अपने ये वाले नहीं आया आपके लिए मेजरली 99% सवाल गोल चीजों पे होंगे। गोल चीज क्या क्या हो सकती है? सिलेंडर, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इनी रिंग, इनी पे आप रिंग डिस्क, इनी पे आपके मोस्टली सारे सवाल आएंगे। रॉड पे भी आ सकते हैं, रॉड पे भी चर्चा कर लेंगे। मान लीजिए बी से घूम रहे हो, ओमेगा से घूम रहा है, चलिए भाई बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसकी रफ्तार बताई जाए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। हम बहुत अच्छे से इसको एनालिसिस करना चाहते हैं। पहले अपन देखो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, चीटे के लिए पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कल। और ग्राउंड के लिए तो पता नहीं क्या कर रहा है? अगर अपन प्योर रोलिंग की बात करें तो साइक्लोड होता है, बर्न बनना तो पता नहीं क्या होता है, कोई प्योर रोलिंग में होता है, वो भी किसमें होता है? जो एक स्पेशल केस है ओमेगा बराबर वी बाई आर। चलो ठीक है, उसमें बाद में बात करेंगे। खैर अपन ने बोला कि भाई साहब ये वाला पॉइंट अच्छा क्या करता है क्या करता है क्या करता है, तो हमें समझ में आता है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि चीटे की रफ्तार बताना बहुत आसान है, ओमेगा आर कितनी, और ओमेगा आर भी ओमेगा ये वाला भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी स्पेशल केस में हो ये अलग बात है, बाकी हमेशा हो ये जरूरी। खैर तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के रेशियो में बताना बहुत आसान होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो मुझे निकालनी है, प्लस ध्यान देखो माइनस वेलोसिटी सेंटर मास, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को लिखने का आसान तरीका क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर पार्टिकल की रफ्तार चाहिए तो चीटे से पूछो क्यों रे कितनी रफ्तार है, उसने बता दी यार हाँ ना बोल। और खुद जो आप देख रहे हो सेंटर ऑफ मास की रफ्तार वो उसमें जोड़ दो, कैसे वेक्टोरली कैसे जोड़ो, मुझे लगा है तुम्हें आया, आया नहीं आया। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से इसको करूं तो मुझे दो डायग्राम बनाता हूं, वेलोसिटी पार्टिकल टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के लिए पार्टिकल की रफ्तार क्या है? सेंटर ऑफ कोई भी जनरल पार्टिकल लेते हैं, ध्यान से देखो कोई भी जनरल पार्टिकल अगर हम उठाए तो हमको दिख समझ में आएगा कि कोई भी पार्टिकल की जो भी रफ्तार सेंटर ऑफ मास के लिए होने वाली है, जैसे इसकी रफ्तार है ओमेगा आर, इसकी कितनी है ओमेगा आर। चीटे के लिए बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू चीटा, विद रिस्पेक्ट टू चीटा ओमेगा आर, मैं तो कह रहा हूं आप कोई भी जनरल पॉइंट ले लो यहां से, तो क्या उसकी भी रफ्तार ऐसे ओमेगा? यार मुझे लगा है तुम्हें आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अगर हम ध्यान से देखें तो चीटे के लिए तो ये वाली बात है, पर अगर हम बात करें कि भाई सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट मतलब सेंटर मास के पॉइंट से सोचें तो हर पॉइंट की रफ्तार कितनी है? v, कितनी है? क्योंकि हर पॉइंट की रफ्तार अगर आपको कभी भी निकालनी हो तो उसमें चीटे से पूछ लो क्या क्या रफ्तार है और उसमें क्या सेंटर ऑफ मास की रफ्तार जोड़ दो, उसमें सेंटर ऑफ मास की रफ्तार जोड़ दो। तो अगर इन दोनों को वेक्टरली जोड़े तो कैसा दिखाई देगा? ध्यान से देखो आपको सबको समझ में आएगा, इक्वल्स टू, जो ये पहली बार डायग्राम बनाया है इसलिए ऐसे बनाया है, बाकी हमेशा डायरेक्ट आपको बनाना आना चाहिए कि अगर मुझे इस पॉइंट की रफ्तार लिखनी है, धीरे धीरे सर्कल बड़ा होता जा रहा है, इस पॉइंट के लिए डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या होता है? इस पॉइंट के लिए दो बात, चीटे के लिए पूछो भाई कितनी रफ्तार ओमेगा, और फिर जोड़ दो चीटे की रफ्तार खुद प्लस वी। अरे यहाँ पे देखो चीटे के लिए रफ्तार ओमेगा, फिर क्या जोड़ दो वी, क्या रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा? चीटे के लिए रफ्तार ओमेगा, चीटे की रफ्तार वी, चीटे की रफ्तार ओमेगा, चीटे की रफ्तार वी,
कोई भी जनरल पॉइंट ले लो, चिट्ठी की कितनी रफ्तार? ओमेगा। अरे हाँ ना बोल, चिट्ठी की रफ्तार वी। क्या दोनों को वेक्टर में जोड़ सकते हैं? यस सर। अब वेलोसिटी भी आ गई, स्पीड भी आ गई, उसमें कोई खास बात नहीं है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो भाई साहब स्पीड होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? तुम बस अपने मन में एक बात पूछ लो कि अगर कोई भी चीज घूम और चल रही है तो उसके किसी भी पॉइंट की रफ्तार और स्पीड लिखना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले सेंटर मास पर बैठकर चीटे से पूछ लो, भाई कैसे चल रहा है पार्टिकल? उसने बताया, उसमें स्पीड की चीटे की जोड़ दो वेक्टोरली। कैसे जोड़ दो? खेला खत्म। जो आपके लिए स्पेशल केसेस आएंगे वो जनरली क्या होंगे? वो जनरली वो होंगे जब ओमेगा बराबर क्या होगा? वी बाई आर। अभी मैं कैसे आते हैं क्या आते हैं उसमें चर्चा नहीं कर रहा, पर आप भी जानते हो स्पेशल केसेस जो प्योर रूलिंग के होंगे, ओमेगा बराबर वी बाई मतलब ओमेगा आर इक्वल्स टू वी, ओमेगा आर इक्वल्स टू वी। अगर ऐसा होगा तो सोचिए डायग्राम बहुत आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा जो जनरली काम में आता है। ये रफ्तार कितनी होगी? टू वी, क्योंकि ओमेगा आर की वैल्यू क्या है? अरे भाई साहब आदमी आई यार, ओमेगा आर की वैल्यू क्या है? अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ध्यान दो, इसके लिए अगर अपन देखें तो इधर वी के इधर रूट टू वी। यार मुझे लगा तुम्हें आया। इधर वी और रिजल्टेंट यहाँ का इधर वी इधर रूट टू वी। क्या कोई जनरल लिखना हो तो भी लिख सकते हैं क्या? मैं तो कह रहा हूँ थीटा एंगल ले लो, अगर थीटा एंगल ले लो तो ये वी और ये भी वी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो घुपच घुपच घुपच, क्या ये एंगल थीटा? तो क्या ये एंगल दोनों के बीच का 180 माइनस थीटा? तो जो नेट स्पीड आएगी वो कितनी आएगी इस वाले केस में? वी नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा। तो वही तो बोला 90 माइनस थीटा। नहीं फालतू 180 बाय 2 बोला था, सुनते नहीं तुम लोग। अरे हाँ ना बोल यार। तो भाई साहब कितना है? v तो कॉमन आ गया, एक रूट टू भी कॉमन आ गया। अरे आया ना cos 90 में से देखा होता क्या ये 1 माइनस साइन थीटा? व्हाट इज 1 माइनस? अरे 1 प्लस क्यों? 1 प्लस क्यों? cos 90 में थीटा होता है। हां तो साइन थीटा तो बोला क्या हो रहा है? हां साइन थीटा को अभी तक वैरायटी घुसा हुआ है दिमाग में। तो साइन थीटा तो 1 प्लस साइन थीटा कितना? ये सब सही तो कराया मैंने। अरे सब सही तो है। ये थीटा तो ये थीटा सही है, इधर वी तो ये कितना सही तो है। अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा तो होता है। अंडर इतने सालों से आ रहा है, चला अब क्यों नहीं आ रहा? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट? तो ये आगे रूट टू बी और वन प्लस साइन थीटा को क्या लिखते हैं? टू कॉस स्क्वायर, नहीं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। कॉस स्क्वायर नहीं लिखते क्या? कुछ भी अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा सही तो लिखा मैंने। इसका कोई छोटा फॉर्मेट नहीं है क्या? कॉस थीटा बाय टू प्लस इसको कह दीजिए, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, छोटा ऐसा ठीक है नहीं तो उसमें क्या प्रॉब्लम? प्रताप जो भी एंगल दिया हो, जो भी एंगल दिया हो उसके रिस्पेक्ट में क्या मैं किसी भी जगह पर अपनी स्पीड लिख सकता हूँ? yes, ये मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये तो अपन ने सर्कल के लिए करा, किसके लिए करा? रॉड वॉड किसी के लिए भी कर ले तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मैं भी आपको समझाता हूँ, पहले से उतार लो, पहले से उतार लो, सब जगह फॉर्मेट वही चलने वाली है। इधर देख, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है भाई अपने पास में जो है। एक मिनट, कॉन्फिडेंस है कि कोई भी चीज अगर चल रही हो घूम रही हो क्या स्पीड लिख सकते हैं? yes, स्पीड और लॉस लिख सकते हैं? yes, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं, इधर सुनना, मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक रॉड है भाई साहब, इधर 2 मीटर पर सेकंड चल रही है, बोलो क्लियर है? रॉड की लेंथ 4 मीटर है, कितनी है? 4 मीटर। और ऐसे घूम रही है, मान लो ऐसे घूम रही है 5 रेडियन पर सेकंड से, क्या आप टॉप मोस्ट पॉइंट की रफ्तार लिख सकते हो? ओरली बोलो, ओरली बोलो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट? सब लोग ओरली बोले, पेन नहीं चलाना भाई साहब। कितना कितना कैसे बोला? क्या रफ्तार है? ओमेगा आर, ओमेगा प्लस वी, ओमेगा आर। अच्छा मैं आपसे बोलता हूँ व्हाट इज द स्पीड एट 1 सेकंड, मान लीजिए मैं ऐसे बोलता सुनेगा
एक समझो कि ओमेगा आप लेते हैं, ओमेगा आप लेते हैं पाई बाई थ्री रेडियन पर सेकेंड, बोलो क्लियर। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए आफ्टर टू सेकेंड्स, आफ्टर टू सेकेंड पाई बाई थ्री नहीं पाई बाई सिक्स लो ए। मैं आपसे पूछता हूं ओरली भले मत करो, व्हाट इज द, पहले तो कर सकते हो क्या, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पॉइंट ए आफ्टर टू सेकेंड्स, क्या तू कर सकता है? क्या ये पाई बाई सिक्स से अगर घूम रहा है तो क्या पाई बाई थ्री घूम जाए? कितना घूम जाएगा? कितना घूम जाएगा पाई बाई, अगर ये पाई बाई थ्री घूम जाएगा तो क्या ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा? अरे मुझे लगा ही तुम्हें आया, तो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से इसकी रफ्तार इधर आ जाएगी ओमेगा आर, जो कि हो जाएगी पाई बाई सिक्स इंटू टू, पाई बाई सिक्स इंटू टू, यार मुझे लगा ही तुम्हें आया। और दूसरी रफ्तार अगर अपन ध्यान देखें, ऐसे थोड़ा बनाया था, थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर 30 डिग्री मतलब सवाल बनाने में कोई कमी नहीं है, इधर रफ्तार हो गई भाई साहब पाई बाई सिक्स इंटू, मतलब पाई बाई सिक्स इंटू टू पाई बाई थ्री मीटर पर सेकेंड, और क्या इधर रफ्तार है टू, अरे फिर हवा नहीं आई यार, क्या ये एंगल 60 डिग्री है? तो क्या इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो? कोई बुरे वाली बात नहीं है, अनंत सवाल। मेन बात, कोई भी बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में हो तो मुझे उसकी स्पीड और वेलोसिटी लिखनी आनी चाहिए। आप चाहो तो और पे करूं, नहीं चाहो तो आगे बढ़ो, एकदम पक्का? यस सर। सबके आवाज नहीं आई? यस सर। क्लैरिटी एकदम? यस सर। छोटी बात, एकदम 110% क्लैरिटी होनी चाहिए अपने को, करता जो बोला चमका। यस सर। चलो आ जाओ नेक्स्ट लेक्चर, इसी का अगले, इसी यहीं से जो अपन पहले भी प्रूव कर चुके हैं, अगर मेरे को कभी भी किसी भी चीज का डिस्टेंस चाहिए हो, हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है और इसके सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं, एक बार फिर से कर दो ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, अगर हमें कभी भी किसी भी इसमें डिस्टेंस पूछा जाए, क्या पूछा जाए? डिस्टेंस इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, तो आप सब लोग जानते हो कि डिस्टेंस निकालने का जो तरीका होता है बेसिकली वो होता है इंटीग्रेशन वीडीटी की इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ वीडीटी, मुझे लगा है तुम्हें आया, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ वीडीटी, क्या काइनेमेटिक्स में सीखा था? डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ वीडीटी, और डिस्प्लेसमेंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ वीडीटी। कभी भी अगर डिस्टेंस आ जाए तो मेरे कान खड़े हो जाने चाहिए, तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें एक बात समझ में आती है कि अगर हमारा कोई भी पार्टिकल ऐसे चल रहा है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, अगर हमारा कोई भी पार्टिकल ए यहाँ पर है तो किसी भी टाइम टी पर जो उसकी स्थिति होगी, वो उसकी स्थिति होगी ऐसी कि भाई साहब वो घूम चुका होगा ओमेगा टी, कितना घूम चुका होगा? पॉइंट ए ओमेगा टी घूम चुका होगा। अगर अपन ध्यान से देखें तो अगर ये ऐसे वी और ओमेगा से घूम रहा है, क्या मैं तेज बोल रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है? इसको तेज तो नहीं लग रहा? बहुत बढ़िया साहब, अच्छा अच्छा अपन ने बोला ऐसे, तो अपन ने यहाँ पे अपने ये रफ्तार लिखी ओमेगा आर, क्या लिखी? ओमेगा आर, और इधर अपनी रफ्तार है बी, क्या इन दोनों का समेशन ही मेरा स्पीड है? मेरी मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट की स्पीड लिखने का तरीका है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दैट इज ओमेगा आर, दैट इज ओमेगा, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास वी। अगर ध्यान से देखो तो ये ओमेगा टी, ये 90 माइनस ओमेगा टी, ये 90, तो क्या कुल मिला के 180 माइनस ओमेगा टी, 180 माइनस। अगर आप मोड ऑफ वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनना, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर प्लस 2v plus 2v omega r into cos of 180 minus omega t। देखना calculation wise कोई गलती नहीं करूं, conceptually सब कुछ सही है। तो v square plus omega r का whole square plus 2v omega r cos of 180 minus omega t, क्या सब कुछ सही करा है? नहीं आया। आया। ये omega t तो ये? ये कितना? 90 plus 90 minus omega t? Cos 180 minus omega t? Minus? अरे cos 180 minus omega t is minus cos omega t, तो अपना आ गया v square plus omega r का whole square plus 2v omega r minus के साथ cos of omega t root में। ये basically speed of function time है, इसको integrate करोगे तो क्या आएगा? time, क्या आएगा? distance, क्या आएगा? distance। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो अपने को समझ में आएगा कि जो वहां पे आ रहा था वो यहां पे कैसे आ रहा है, सुने अच्छे से। जो स्पेशल केस है क्या है? पहली बात, दिस इज द रियल प्रोसीजर टू कैलकुलेट डिस्टेंस, दिस इज द रियल प्रोसीजर टू कैलकुलेट डिस्टेंस। कुछ नहीं हुआ होगा, बताइए। अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस, जो बोला चमका। तो स्पीड क्या चीज? स्पीड डीटी, ये अपने को क्लियर है। अब जैसे मैंने आपको जो उस समय सवाल कराया था, जो इसका स्टैंडर्ड सवाल है बिल्कुल, कि अगर एक पहिया है, एक
पहिया है उसका ये पॉइंट ए है, ये प्योर रोल कर रहा है। प्योर रोल का मतलब अभी तुम इतना समझो कि ओमेगा बराबर वी बाय आर। तो बताओ इसका जो ये पॉइंट ए है ये पूरे एक चक्कर में कितना चल जाएगा, कितना चलेगा? बहुत सरल सवाल, क्योंकि इसका पाथ होता है साइक्लॉइड। क्या होता है? क्या होता है? क्या जो पार्टिकल होता है इसका पाथ होता है साइक्लॉइड। बेसिकली एक चक्कर में क्या आपसे यही डिस्टेंस पूछी जा रही है, जिसका आंसर आता है 8R। कितना आता है? 8R। आपने पहले भी निकाला, बोलो यस और नो। इसमें ओमेगा बराबर वी बाय आर प्रोसेस में बता चुका हूं, फिर से एक बार प्रूव करो 8R। ये मैं करा चुका हूं पहले काइनेमेटिक्स में, जिसने पढ़ी है काइनेमेटिक्स में जो डिस्टेंस पढ़ाया था तो यही बताया था तुम्हें। दोबारा प्रूव करो एक बार 8R, क्योंकि मुझे पता है तुम आधे भी नहीं कर पाओगे। हाँ भैया, देखिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। उसी वाली स्थिति में आते हैं किसी भी टाइम टी में, किसी भी टाइम अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमारी जो किसी भी पॉइंट की स्पीड होनी चाहिए, जो किसी भी पॉइंट की स्पीड होनी चाहिए टाइम टी के साथ, क्या वो ये होनी चाहिए? यार बेकार रिस्पॉन्स। किसी टाइम टी पे जो स्पीड होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। अगर हमारा स्पेशल केस है ओमेगा बराबर वी बाई आर, मतलब क्या ओमेगा आर इक्वल टू वी? ओमेगा आर इक्वल टू अगर वी है तो स्पीड की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ध्यान से देखो तो रूट टू वी कितना? वन माइनस कॉस ओमेगा टी इज, मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था वहां पे, मुझे लग रहा था वैसे ही आ जाएगा। वन माइनस कॉस ओमेगा टी टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू, तो रूट टू साइन ओमेगा टी बाई टू। पहले तो तुम्हें चमका नहीं चमका, अरे कभी तो हाँ ना बोल। तो ये वैल्यू आई बेसिकली टू वी साइन ओमेगा टी बाई टू। ऐसे मार तो नहीं देते हो, तुमने टू को मार दिया ओमेगा टी, तुम्हारा पहले कर देते ऐसा ही है। टू वी साइन ओमेगा टी बाई टू, तूने टू को आ गया क्या? दिस इज स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। अब अगर हमें पूरा एक चक्कर चाहिए तो टाइम पीरियड क्या है? टू पाई बाई ओमेगा। शाबाश। तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस होगी मॉड ऑफ वी डी टी। मॉड ऑफ वी डी टी का मतलब टू वी साइन ओमेगा टी बाई टू इंटू डी टी लिमिट जीरो टू टू पाई बाई ओमेगा। क्या टू वी कॉमन आ गया? साइन ओमेगा टी बाई टू का इंटीग्रेशन क्या नीचे आया? ओमेगा बाई टू नीचे आया, साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस। क्या बात है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई टू जीरो टू टू पाई बाई ओमेगा। टू ऊपर चल गया, फोर वी बाई ओमेगा। अरे बट फोर वी बाई ओमेगा इज फोर आर, फोर वी बाई ओमेगा इज, अरे हाँ फोर आर। अच्छा चलो भाई, कॉस ओमेगा टी बाई टू, जब टी को रखोगे टू पाई बाई ओमेगा तो बचेगा कॉस पाई, क्या बचेगा? और जब जीरो रखोगे तो कॉस जीरो, तो कॉस पाई माइनस वन, कॉस पाई कॉस जीरो वन, कुल मिला के देखो ये टू है, कुल मिला के देखो ये आंसर कितना आया? स्टैंडर्ड सवाल, अच्छा सवाल। एंड दैट टेल्स यू कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में अगर कभी भी डिस्टेंस पूछ रहे, हालांकि टिपिकल बात है, तो हमें फॉर्मेट पता होनी चाहिए मॉड ऑफ वी डी टी। क्या चीज? इसलिए पहले मैंने आपको स्पीड ऑफ वेलोसिटी सिखाई, क्योंकि स्पीड से ही वो निकल के आता है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे आया कि नहीं आया? सोच लो, कोई बुराई जो मैं बोला चमका, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, स्पीड पढ़ ली, वेलोसिटी पढ़ ली, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। नेक्स्ट देखो एक्सीलरेशन इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। एक्सीलरेशन इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन अब देख, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल।
इधर सुन, फिर से वही बात जो अभी अपन ने वेलोसिटी में सीखी, एक्सेलरेशन इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूं, कोई भी बॉडी जो चल रही है और घूम रही है, वी और ओमेगा, क्या उसकी वी चेंज हो सकती है? जो बॉडी चला और घूम रही है उसकी क्या वी चेंज हो सकती है? नो क्यों बोले तो? तुम्हारी कार क्या वी चेंज नहीं होता? तो साइकिल में भी नहीं होता क्या? बैठते बोलते हो 10 मीटर पर सेकंड, चौकियों जैसी बात करते, बिल्कुल बी और ए कोई ग्रह वाली बात, बहुत बढ़िया सर। अच्छा ओमेगा क्या, क्या ओमेगा चेंज हो सकता है? क्या ओमेगा चेंज हो सकता है? तो क्या अल्फा भी हो सकता है? क्या हो सकता है? तो मैंने तो सबसे स्पेशल केस माना बी भी है, ओमेगा भी, ए भी और अल्फा भी, सब कुछ मान लिया। अब मेरे को किसी भी पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन लिखना हो तो फिर से वही बात चीटे से पूछो, कैसे लिखना चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू चीटा इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चीटा। अरे भाई हाँ ना, बेस्ट तरीका तो वही था भाई, 200 में तोड़ लो, 200 में तोड़ लो। बहुत बढ़िया साहब, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू चीटा प्लस एक्सेलरेशन ऑफ चीटा। अब मैं तुझे एक बात बताता हूँ, चीटे के लिए पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कल। चीटे के लिए पार्टिकल क्या कर रहा है? अब सर्कुलर का ज्ञान रख, कितने एक्सेलरेशन होते थे? ए टेंजेंशियल और ए रेडियल। तो ऐसे समझ के एक्सेलरेशन पार्टिकल तीन तरीके से लिखते हैं, ए टेंजेंशियल, ए रेडियल प्लस ए ऑफ थीटा। खेला खत्म। किसी भी पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन लिखना हो जो चल रहा हो घूम रहा हो तो उसमें तीन एक्सेलरेशन जोड़ दो। ए टेंजेंशियल, ए रेडियल, ये उसी के दो हिस्से हैं भाई साहब। एक्सेलरेशन तो पार्टिकल जो चीटर में दो ही एक्सेलरेशन होते थे, ए रेडियल और ए। जैसे मान लो मैं इसके लिए लिखूं, तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अगर मैं इसको 200 में तोड़ू तो पार्टिकल के लिए कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, कोई खास बात नहीं, पार्टिकल के लिए अपन कोई भी पॉइंट अगर लिखें तो तुम्हें दिखा देगा ओ ये अगर अपना बड़ा हो गया कोई बात नहीं। रेडियल ओमेगा स्क्वायर आर, टेंजेंशियल अल्फा, फिर ओमेगा स्क्वायर आर, फिर अल्फा, फिर अल्फा, ओमेगा स्क्वायर आर, और जनरल के भी लिख सकते हैं, मैं आपको ऐसे लिख के बताता हूं ताकि आपको फील आ जाए, अल्फा आर ओमेगा स्क्वायर आर। अरे कभी तो हाँ ना बोल। yes, दो डायग्राम और बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाएंगे, सुन ये बना देते हैं, चलो मर जाओगे नहीं। चीटे के एक्सप्रेशन की बात करते हो क्या? सब जगह ए, सब जगह ए, सब जगह ए, सब जगह ए, क्या इन दोनों का समीशन होना चाहिए? इन दोनों के समीशन की अगर बात करें तो यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन, ए प्लस अल्फा और अंदर की तरफ ओमेगा स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे कभी तो हाँ ना बोल। इन द सेम वे अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर इधर कितना अल्फा और इधर कितना ए, ऐसे अगर यहाँ की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर अल्फा ए। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? मैं तो कह रहा हूं अगर किसी जनरल पॉइंट का लिखना हो एक्सेलरेशन तो भी मुझे 1% कष्ट नहीं है, इसमें कौन सी खास बात है? देखो किसी भी जनरल पॉइंट का लिखना हो डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। मान लो कि यहाँ से किसी भी एंगल थीटा पे पूछा जाए तो जाहिर सी बात है ए इधर आएगा, अल्फा आर इधर आएगा और क्या ओमेगा स्क्वायर आर इधर आएगा। मैं तो एक्सेलरेशन के लिए एक बात रख रखी है, तीन चीज, ए टी ए आर ए, ए टी खत्म। कंसेप्चुअली पहले पीछे से पता है? अरे भाई यहाँ ना बोले यार, तो किसी भी पॉइंट के तीन ही एक्सेलरेशन होते हैं, ए टी ए आर और ए। हाँ हो सकता है किसी सवाल में ए नहीं हो, किसी सवाल में अल्फा आर नहीं। अरे पर सब हो तब भी मुझे लिखना, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए मन में कि भाई साहब कभी भी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होगा तो मुझे एक्सेलरेशन लिखना, वेलोसिटी लिखनी आती है, स्पीड लिखनी आती है, डिस्टेंस लिखना आता है, डिस्प्लेसमेंट लिखना आता है, तभी तो अपन आगे बढ़ पाएंगे, वरना बढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। उतार ले, कुछ समझ नहीं आया बेझिझक पूछ ले। पैपे करूं, समझ आ गया? पैपे करूं पैपे आइए। समोसे नहीं आए ना, आ जाएंगे, मरो मत।
तो एक्सलेशन इनमें आ गया, वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गया, और क्या लिखे? एक्सलेशन आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बात करते हैं मोमेंटम की। किसकी? मोमेंटम। देखो मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन। यार इन सबके प्रूफ थोड़े लंबे लंबे होते हैं, कराऊं क्या वो, या डायरेक्ट लिखा दूं? और वो उलझ उलझ और जाते हैं सारा कई बार। कराओ चाहे उलझ गए तो तुम ही निपटते रहना। दिमाग सब लोग चलाएंगे मिलके, क्योंकि ये सब जैसे बताता हूँ दो चार चीजें क्या क्या करनी है, उनके प्रूफ चाहो तो समझ लो, अपन मिलके कर लेते हैं। मैं जनरली कराता नहीं हूँ ऐसे, तो याद रखने होते हैं वैसे तो सब अपने को याद होना चाहिए। प्रूफ कहाँ कहाँ से आते हैं मैं आपको बताता हूँ, तो मिलके करेंगे, क्योंकि मैं भी हमेशा कराता नहीं हूँ उनको, ध्यान सुनो। उसमें याद कर अपने, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर आप सेंटर मास में बैठ जाओ तो M1 R1, मैंने तेरे जी बताई थी अगर हम सेंटर मास में बैठ जाए तो M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस M4 X4 क्या हो जाता है? जीरो। मैंने एक जगह कराया था, भूल गया तू यार। ऐसे अगर आप सेंटर मास पर भी बैठकर देखो तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 क्या होगा? जीरो। अगर मैं सेंटर मास पर ही बैठकर देखूं तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस M4 V4 बाई M1 प्लस M2 VCO में तो होता है। अगर मैं VCO में बैठ जाऊं तो M1 V1 उसके रिस्पेक्ट में जो रफ्तार है उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। इन सबको यूज करके बहुत सारी चीजों के प्रूफ करे जाते हैं। क्या क्या चीज जैसे काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, पर उसमें थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाता है कई बार, करते हैं चलो अगर तुम चाहते हो तो। जैसे मान लो अपन क्या क्या बोला मैंने अभी, मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। मान लीजिए कोई भी बॉडी है, जैसे कोई भी बॉडी, मान लीजिए अपन कोई भी बॉडी लेते हैं, रॉड ले लो या जो भी तुम्हें लेना है ले लो, ये बॉडी चल भी रही है और सपोज हो रही उम्मीदवार वी बाई आर, ऐसा कोई जरूरी है? मैं इस बॉडी का मोमेंटम लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ? तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इस बॉडी के हर एक मास का मोमेंटम लिखना चाहिए। मुझे बेसिकली क्या लिखना चाहिए अगर मैं ध्यान से, तो मुझे टोटल मोमेंटम लिखना चाहिए M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अप टू सो ऑन। क्या V1 V2 V3 हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है? अलग। अरे कमेंट आंसर पर रोटेशन तो अलग होती है। अगर मुझे बॉडी का पूरा मोमेंटम लिखना है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? इसके अनंत टुकड़े कर लो, M1 M2 M3 M4 और सबको मोमेंटम लिखो, M1 V1 वेक्टर, M2 V2 वेक्टर। अरे नहीं आया, ऐसे लिखना चाहिए। पर अभी भी मैंने सीखा कि V1 वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो लिखी जाती है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ, क्या यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को अपन ये लिख लेते हैं VC। क्या लिख लेते हैं? VC। यार मुझे नहीं लगा तुम्हें आया। तो V1 को क्या लिखना चाहिए? V1 को लिखना चाहिए M1 V1C प्लस VC वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू, या मुझे लगा तुम्हें आया, प्लस M2 V2C प्लस VC। अब देख M1 VC M2 VC M3 VC इज कॉमन, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इज M टोटल। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, M1 प्लस M2 प्लस M3 M टोटल हो गया ना, उधर क्या बचा? M1 V1 C ये चीज क्या है? बोल क्यों जीरो है? अबे जब तू सेंटर मास पर बैठकर ही पार्टिकल को लिख रहा है और M1 V1 प्लस M2 तो जीरो ही तो आएगा। नहीं आया। क्या तू सेंटर मास पर बैठकर देख रहा है पार्टिकल की रफ्तार? तो M1 V1 प्लस M2 जीरो, क्या जीरो? नहीं आया। ये बात सबको क्लियर है? नहीं आया तो पूरी वैल्यू जीरो हो गई। तो कोई भी बॉडी जो घूम रही हो और चल रही हो उसका सिंपली मोमेंटम लिख दिया जाता है ऐसे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, MVC। क्या चीज? फील करने के लिए बताया। कभी भी बॉडी जो क्यों है जरूरी है, अगर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो आपको पता तो होना चाहिए मोमेंटम कैसे लिखेंगे। फील नहीं आती सर, घूम भी तो रहा है उसका मोमेंटम कहां गया? वो घूमने का मोमेंटम आधे का इधर आता है तो आधे का तो कैंसिल आउट हो जाता है लॉजिकली भी सोच लो। अरे यार
एक्चुअली जब हम लिखते ना ऐसे कोई भी बॉडी घूम भी रही हो चल भी रही तो सर फील नहीं आ रही सर ये क्या बात हुई सर। एक्चुअली बच्चा क्या पूछता है मैं बता रहा हूँ कि सर ये तो वाली बात हुई सर कि अगर एक स्फीयर है वो है ना 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है सर और है ना सर वो है ना सर ऐसे 10 रेडियन पर सेकंड से चल रहा है। मैंने कहा ठीक है ना सर और वही स्फीयर है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है सर पर वो घूम है ना सर 20 रेडियन पर सेकंड से रहा है तो सर इन दोनों का मोमेंटम तो सेम हुआ आपके हिसाब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम हुआ। पर ऐसी मन से फीलिंग नहीं आती इसके लिए प्रूफ बताया है मैंने। अरे यार जैसे आप किसी बच्चे से पूछ लो बोल किसका मोमेंटम ज्यादा तो बोलेगा नीचे वाले का दोनों का बराबर है मोमेंटम। नहीं गलत पढ़ा रहा पक्का है भूल गया अभी। अरे भाई हाँ तो बोल इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो आप देखो तो आधा इधर आता है और आधा तो कट जाता है तो वो इसलिए फील करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप मोमेंटम कंजर्व करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि मोमेंटम इज सिंपली एम वी इज सिंपली वेयर इज द वेलोसिटी ऑफ वेयर इज द वेलोसिटी ऑफ मुझे लगा है तुम्हें आया है ना फील करना पड़ेगा वो अपने उसमें युवा अरे आया कि नहीं आया सोच लो गारंटी उतार। अच्छा उतार लिया तुम लोगों ने ये था मोमेंटम ये क्या था मोमेंटम। ऐसे अपन जैसे मान लो बॉडी की बात करें देख मोमेंटम लिख लिया ऐसे ऊपर हम चीज बात करें वो बहुत चीज होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखनी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस यार उसका प्रूफ शायद बहुत लंबा जाता है कराऊं क्या यस सर चाले सही कई कई लोग बोल रहे सर अच्छा है कराओ सर रोल जुल रोल जाएगा खुद ही खेलता रहेगा फिर आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन जाहिर सी बात है कि हमें जो बॉडी चल रही है जो बॉडी चल रही है और घूम रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है काइनेटिक। फिर से वैसे अगर हम बात करें रॉड वॉड लेने जो भी हमें लेना हो तो हमें बहुत सिंपल सी बात समझ में आती है कि अगर हम कोई भी पार्टिकल लें ऐसे बी से चल रहा है और ओमेगा से घूम रहा है तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो वास्तविकता में होनी चाहिए हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर प्लस हाफ एंड सो ऑन। क्या नहीं आया नहीं आया अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि V1 को क्या लिख सकते हैं V1C प्लस VC का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एंड सो ऑन जो भी है तो चलता जाएगा। अब अगर आप बहुत ध्यान देखो तो हाफ M1 V1C का होल स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस हाफ M1 VC का स्क्वायर तो इसमें है ना M टोटल आ जाएगा। टोटल क्यों आएगा टोटल क्यों आएगा बोलो भी अरे हाँ ना बोल समझ में आ गया। देखो गड़बड़ नहीं करूं मैं फिर कह रहा हूं मैं हमेशा नहीं कराते प्रूफ प्लस बचा टू टू ने टू को मार देगा टू टू को मार देगा M1 अच्छा VC सब में आएगा VC तो M1 V1C प्लस M2 V2C अप टू सो ऑन ये तो जीरो है। अरे यार ये तो कोई पुराना लॉजिक अरे नहीं आया आया नहीं आया अरे जीरो भाई साहब बहुत सुंदर तो हाफ एम टोटल वीसी स्क्वायर आप हाफ M1 V1C V1C इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्पीड टू सेंटर ऑफ मास व्हिच इज ओमेगा व्हिच इज अरे मैग्नीट्यूड वाइज V1C क्या है ओमेगा। अरे V1C इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्पीड टू सेंटर ऑफ मास उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है ओमेगा। अरे कितना होता है कितना होता है ओमेगा लिख दे लो साहब तो हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन डॉट 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 M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर इज व्हाट आई अबाउट आ गया आ गया। Yeah.
मॉडल मतलब मुझे लगा है तुम्हें आया आया कि नहीं आया, आया। अरे प्राण पखेरू सोच लो yes, तो कोई भी बॉडी जो चल रही है और घूम रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है हाफ पहले तो उसकी सेंटर मास लिख दो हाफ एम डी सी स्क्वायर हाफ एम फिर चीटे पे बैठे करना बार बार वही है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस वेलोसिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास इज व्हाट हाफ एम वी स्क्वायर सिंपल करना वही है तुम्हें अच्छा आई याद रखना किसके बहुत पूरा प्रूफ इसलिए बताया ताकि आपको बात समझ में आए तो पहले तो चीटे से पूछो कितनी काइनेटिक एनर्जी वो बोलेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई किसके बहुत किसके बहुत फिर चीटे की काइनेटिक एनर्जी लिख दो उसे पॉइंट मास मान के हाफ एम वी स्क्वायर खेला खत्म क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी किसे कंजर्व करोगे एनर्जी कंजर्व करना पॉसिबल और क्या बचा जिसका प्रूफ करना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर क्या पिक्चर क्लियर है अब तुम्हें समझ में आना चाहिए मान लो एक हॉलो स्फीयर है सॉरी सॉलिड स्फीयर है मान लो अगर सॉलिड स्फीयर है और वो चल रहा है वी से और वो घूम रहा है ओमेगा से और मान लो बोल दीजिए ओमेगा बराबर वी बाई आर तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी क्या आप सब लोग लिख सकते हो देखो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस टू बाई फाइव हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज वी बाई आर का क्या तुम्हें काइनेटिक एनर्जी लिखनी आती है बेसिकली फॉर्मूला ढंग से याद होना इसलिए क्योंकि अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिख नहीं पाओगे तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर पाओगे मोमेंटम लिख पाओगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर पाओगे एंगुलर मोमेंटम लिख पाओगे तो नहीं कर पाओगे वेलोसिटी स्पीड और एक्सेलरेशन सब अपने को लिखना आना तो आधे से ज्यादा सवाल तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं बच्चा इसलिए अटक जाता है आगे कुछ लिखना ही नहीं आता लिखना नहीं आएगा तो कहां से करेगा भाई इसलिए मैंने बहुत अलग अलग इन सबको कराया पहले जो बोला चमका तो मैंने स्पीड पढ़ा दी वेलोसिटी पढ़ा दी डिस्टेंस पढ़ा दी डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दी वेलोसिटी पढ़ा दी एक्सेलरेशन पढ़ा दी काइनेटिक एनर्जी पढ़ा दी मोमेंटम क्या रह गया अच्छा एंगुलर मोमेंटम लंबा आएगा चलो देखते हैं एंगुलर मोमेंटम उस वो और पे करूं क्लियर है तो सबकी आवाज नहीं आई यार पक्की बात सोच लो तो नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रूफ बताओ डायरेक्ट लिख दूं यार गजब हो यार टेस्टिंग कर रहे हो ना मेरी नहीं आया तो तुम जिम्मेदार हो गए नहीं मैं क्यों मैं तो पहले बोल रहा हूँ लंबा हो जाता कई बार शायद एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन ध्यान से देखें जैसे मान लो कि ये बॉडी है चल रही है और घूम रही है वी सी और ओमेगा इस करेंगे मान लो पॉइंट ए है जिसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है मान लो पॉइंट है जिसके अबाउट आपको वास्तविकता में क्या चीज वास्तविकता में जो एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा पॉइंट ए के अबाउट वो लिखा जाएगा एम वन आर वन क्रॉस वी वन वेक्टर प्लस एम टू R2 टू क्रॉस वी टू वैक्टर ये आर वन कहां से लेंगे अरे एंगुलर मोमेंटम तो एम आर क्रॉस वी होता है इसमें एक मास बहुत सारे एम वन एम टू एम थ्री तोड़ दिए एम वन एम टू एम थ्री हर की वेलोसिटी भी अलग अलग और हर का यहां से R वैक्टर भी ऐसा समझ कि मान लो ये R वैक्टर है तो ये RCOM वेक्टर है और ये R1C है हाँ 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 ठीक तुम्हें नहीं आया सो व्हाट इज R1 वेक्टर RC वेक्टर प्लस अरे लंबा तो नहीं जाएगा चल ट्राई करते हैं नहीं आया अरे हाँ ना बोल यार पहले तो वो इक्वेशन मैंने सही लिखी है क्या लिखा सब कुछ सही है ढंग से रिजॉल्व करेंगे तो आएगा इसमें कोई शक वाली बात नहीं है तो RC वेक्टर R1C वेक्टर R1 वेक्टर सबने बोला ठीक मैंने भी बोला ठीक आइए अब देख R1 वेक्टर कितना है R1C कुछ गलती तो नहीं कर रहा प्लस RC
वी वन सी प्लस वी सी तो थी क्रॉस वी वन सी प्लस वी सी हे भगवान एंड सो ऑन एंड सो ऑन डायरेक्ट बता दू ऑन सॉल्विंग वी विल गेट एडी लिखते हैं एक एक टर्म आर वन सी वेक्टर क्रॉस वी वन सी वेक्टर आर वन सी कहाँ है ये रहा चलो इस पर चर्चा करते पहले एक टर्म ये सिग्मा सिग्मा होंगे सब ये सब क्या होंगे मल्टीपल टाइम्स आएंगे ना तो पहले लिख लेते हैं फिर कुछ तो करेंगे लाना क्या है तो अपने को पता ही है लाना क्या बता दूं पहले ताकि सबकी बुद्धि चलने लगेगी क्या आना चाहिए उधर M1 R1 C क्रॉस EC ये टर्म जीरो हो गई ध्यान से देख भाई ध्यान से जो जो दिख रहा है वो कर लो ये जीरो क्यों ध्यान से VC कॉमन है VC M1 R1 C प्लस M2 R2 C प्लस M3 R3 C जीरो अरे M1 R1 C R1 कहां के रेस्पेक्ट में तो सेंटर ऑफ मास पे तो ओरिजिन माना है तो आएगा तो वापस ओरिजिन ही ये बात पहले भी बोल चुका हूं यार M1 R1 C क्या चीज है अगर हम किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान ले तो उसके रेस्पेक्ट में अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे x, y तो क्या m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 0 ही आएगा यस सर क्या r1 c इज द कोऑर्डिनेट व्हेन वी अज्यूम दैट द सेंटर ऑफ मास इज एट द ओरिजिन यस सर अरे हां ना तो बोल यस सर तो मेरे हिसाब से अगली टर्म क्या आएगी जीरो सब लोग पहले सोचो समझ में आए जीरो क्यों हुआ यस सर अरे कभी तो हां ना बोल यस सर चलिए अभी और आगे चलते हैं और कौन सी टर्म है सिग्मा m1 आरसी क्रॉस क्रॉस V1C M1 V1C M2 V2C कुछ हुआ नहीं जीरो नहीं बन गया अभी बनाता हूं देख सिग्मा M1 RC क्रॉस VC अब सुना है प्लीज तू ध्यान दे इसमें आरसी कांस्टेंट है वेरिएबल हर पार्टिकल के लिए आरसी कांस्टेंट है वेरिएबल बीसी अरे आरसी क्या है क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल कोई भी हो क्या ये चीज फिक्स रहनी है ध्यान से देखो तो आरसी बीसी कांस्टेंट है क्या कांस्टेंट है तो एम देखो अगर आरसी बीसी कांस्टेंट कॉमन ले लो तो सिग्मा m1 m2 m3 क्या बन गया mt क्या बन गया तो बेसिकली ध्यान देखो तो ये लिखा गया M बड़ा M से डिनोट कर देता हूं M RC क्रॉस VC अगर तू बहुत ध्यान देखना तो पता है ये क्या चीज है ये चीज है एंगुलर मोमेंटम इफ वी कंसीडर इट एज अ पॉइंट मास विद रिस्पेक्ट टू A विद रिस्पेक्ट टू A सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू A या नहीं आया ध्यान से देख ये वाली टर्म जीरो हो गई ध्यान से देख ये वाली टर्म जीरो इस वाली टर्म को देख What is V1C? What is V1C? एक बड़ी M1 V1C क्या हुआ? Zero हो गया क्या ये? M1 V1C plus M2 V2C क्या RC common आ गया? So M1 V1C plus M2 V2C क्या आ गया? Zero. क्या सबको चमका zero? तो ये लेटर I omega नीचे. अरे बोलता आंसर तो पता है ना यार. ये रिटर्न क्या लीजिए आई अब देखो आएगी कहीं ना कहीं से R1C क्या चीज और V1C क्या ओमेगा आर ध्यान से देख अब कंफ्यूज होकर देखो ध्यान से समझाता हूं आगे ऐसे R1C ओमेगा R1C ऐसे इनमें हमेशा 90 डिग्री एंगल है तो अगर लॉजिकली समझ तो कोई भी पोजीशन वेक्टर बिल्कुल कोई भी पोजीशन कोई भी बॉडी जो घूम रही है उसमें अगर तो बहुत ध्यान से देख तो ये ओरिजिन से ये हो गया R1
और ये क्या हो गया ओमेगा आर वन, क्या दिस इज वी वन सी? तू अगर बहुत ध्यान, इनमें एंगल कितना है 90, तो क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए मॉड ऑफ आर वन मॉड ऑफ वी वन सी इंटू साइन 90, मतलब आर वन सी और ओमेगा वन सी, आर वन सी और वी वन सी में एंगल कितना है? ये मानता है? मानता है कि नहीं मानता है? तो क्या मेरे को चुपचाप लिख लेना चाहिए एम वन आर वन वी वन सी का मैग्नीट्यूड? व्हाट इज वी वन सी का मैग्नीट्यूड? ओमेगा आर वन का सिग्मा। व्हाट इज एम वन आर वन स्क्वायर? क्या चीज? आई ओमेगा। अरे हाँ ना बोल यार, ये प्रूफ ऐसे जिस तुम्हारा थोड़ा सा आगे चल रहा था इसलिए मैंने करा दिया। ये प्रूफ से सिर्फ फील ज्यादा आती है। क्या ज्यादा आती है? बाकी याद सब होना चाहिए, याद सब होना, इससे फील आती है कि हाँ यार जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल परफेक्ट था, पीछे से मैच जब होता है उड़न से नहीं आया। तो बेसिकली आप देखो तो कोई भी बॉडी जो चल रही हो और घूम रही हो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, ध्यान समझना, उसका एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है। पहले समझ लो अच्छे से, कोई भी बॉडी अगर चल रही है, घटना ऐसे है तो प्रूफ बताया था मैंने आपको, कोई भी बॉडी अगर चल रही है और घूम रही है और किसी भी पॉइंट ए के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? मैं आपको बताता हूं, आप ये मानोगे आर सी, ये मानोगे वी सी। तो बेसिकली आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट लिखोगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, समझना ऐसे चाहिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू विद एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंगुलर मोमेंटम देखना, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सबसे अच्छी चीज है इसमें। तुझे मेरी बात समझ? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब है एम टोटल यानी कि बड़ा एम इंटू आर सी क्रॉस वी सी। क्या है सबको चमका? क्या लिखना मुझे आता है? कैसी शॉर्ट ट्रिक वैसे भी लिखी जा सकती है, एम आर परपेंडिकुलर वी और एम आर वी परपेंडिकुलर, यार मुझे लगा है तुम्हें आया, प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा, जो मैंने आपको अभी प्रूव कराया। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? गुदाल बात नहीं। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट ए विच इज एम आर सी वी सी। यार प्लीज, अरे अभी मत का, रुक जा, किसे खाया ना भाई साहब, जेई में दिसंबर कट जाएंगे उसे, आ रहे हैं तुम्हारे, आइए। इधर सुन, मान लो मैं आपको बोलूं कि एक सॉलिड स्फीयर है जो ऐसे चल रहा है, सवाल करते हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड डेटा के साथ, जो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, जिसका मास 5 किलो है, जिसका रेडियस 2 मीटर है, बोलो क्लियर, और ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है उल्टा 2 रेडियन पर सेकंड से, बोलो क्लियर। मैं आपसे बोलूं कि बताओ एक पॉइंट है जो यहां से ऐसे 1 मीटर नीचे पर यहां पर है, ए, कितना नीचे, इस पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है। पहले तुम ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। इस बॉडी का जो बॉडी चल भी रही है और घूम भी रही है उसका इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए। हाँ क्या हुआ, समोसा नहीं मिला? नहीं लिख पाया ना, जो से सिखाया बिल्कुल वैसे करो। पहले इसे पॉइंट मास मान लो सेंटर पे रखा हुआ, उसका एंगुलर मोमेंटम लिखो, फिर सेंटर ऑफ मास से पूछो क्या एंगुलर मोमेंटम है, और डायरेक्शन का ध्यान रखना, डायरेक्शन का ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। अरे तुम लोग सवाल से कोई मतलब, समोसे के लिए मर रहे हो बस।
चलिए नहीं आया ना आया। क्या सिखाया एंगुलर मोमेंटम लिखते वक्त? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू, पहले अपन लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। क्या सेंटर मास को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें? क्या सेंटर मास 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है? क्या उसका मास 5 किलो है? क्या तू सॉल्व कर सकता है? एमआर क्रॉस वी में आर परपेंडिकुलर क्या है? क्या है? शाबाश। डायरेक्शन बोल, डायरेक्शन बोल, डायरेक्शन बोल। 5 × 10 × 1 50 अंदर बाहर, अंदर सिंपल। बाकी दूसरे वाले का क्या आई होगा? बाहर अंदर, बाहर अंदर। आई कितना? 16। 2/5 एम आर स्क्वायर है ना, 2/5 एम आर स्क्वायर क्या 8? अब आपको आई सारे याद होने, 8 × 2 = 16। बाहर अंदर, बाहर अंदर। तो नेट कितना आया? 50 − 16 34 अंदर, 34। तब तो जिसको ये नहीं लिखना था एंगुलर मोमेंटम कहां से कंसीडर करेगा भाई? उसे पता भी पड़ जाए एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करेगा, एंगुलर मोमेंटम लिखना ही नहीं आता तो क्या करेगा तू? इसलिए कह रहा हूं सारा बेसिक आना चाहिए, या क्या तो वैसे कमेंट आ गया आसान हो जाएगा। फिर तो कंजर्वेशन आता ही, हमें पहले कंबाइन करेंगे बस। एक और करो, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे पता पड़ा। हाँ बेटा, मास एम 3 kg, नहीं चलो 3 kg, लेंथ जो है 4 मीटर, ऐसे चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, रॉड है ऐसे घूम रही है ओमेगा, कुछ भी ले लो 2 rad/s से, यहां से 1 मीटर ऊपर पॉइंट ए है, यहां से 1 मीटर ऊपर पॉइंट ए है, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम खेच दो। तुमसे नहीं हुआ यार, आइए एम एल स्क्वायर बाय 12 m × 3 एम एल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बाय 12 यानी कि 4। और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मास के लिए, मैंने 3 × 1 × 5 बाहर प्लस 4 × 2 अंदर, 15 − 8 भाई साहब तुमसे हुआ नहीं? हुआ नहीं, फुल कॉन्फिडेंस आया। कमांड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन में कुछ भी लिखने को बोले क्या लिख सकता है? डिस्टेंस इक्वल लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम सारे प्रूफ के साथ बताए, गड़बड़ मत करना। बोल यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी एप्लीकेशन चालू करेंगे, ऐसे समझ लो आधा खत्म हो गया कमांड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन, क्योंकि बेसिक फील यही है, बेसिक फील यही है। बाकी तो सवाल होते हैं बट उनका सबका बेसिक कुछ ना कुछ यही होगा, यही तो लिखवाएगा और क्या लिखवाएगा। बोलो क्लियर है?